इस तरह हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 483 ईस्वी पूर्व तथा महापरिनिर्वाण 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बचपन में उनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म से 12 वर्ष पूर्व ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो एक सार्वभौमिक सम्राट या महान ऋषि बनेगा। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह संसार का मोह त्याग कर तपस्वी बन गए थे और परम ज्ञान की खोज में चले गए थे। गौतम बुद्ध का जन्म काल। बुद्ध का गोत्र गौतम था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म शाक्य गढ़ राज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी गोमती ने किया था। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व हुई भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल की परिधि में रखा। गौतम बुद्ध राजसी विलासिता में पले बड़े। बाहरी दुनिया से आक्रांत नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन, ब्राह्मणों द्वारा निर्देश और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षित किए गए थे। कम उम्र में ही उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया। दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था।